हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक एसईओ के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक साइट मैप को डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली साइट मैप होता क्या है, साइट मैप कैसे एसईओ को मदद करता है, क्या हमें साइट मैप की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा साइट मैप क्या मैंडेटरी है भी है या नहीं एसईओ को, ठीक है। मतलब बड़े सारे आज हम टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें आप प्लीज हर एक पॉइंट्स को नोट करते रहिए क्योंकि ये सारे पॉइंट थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी, इसमें आपको हर एक चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, बट वो प्रैक्टिकल क्लास के लिए ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए जो भी मैं आज बताऊंगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को प्लीज नोट करिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज साइट मैप, साइट मैप होता क्या है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी क्रॉल बजट को डिस्कस किया हुआ है, व्हाट इज क्रॉल बजट, ठीक है। क्रॉल बजट होता क्या है, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करके बता देता हूँ। क्रॉल बजट क्या है, क्रॉल बजट इज सिंपली कि आपके वेबसाइट या आपके वेब पेज के लिए क्रॉलर ने रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, क्रॉलर ने टाइम सेट किया हुआ है। अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर सिर्फ 5 मिनट आ रहा है तो 5 मिनट में उसे पूरी वेबसाइट स्कैन करनी है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट का साइट स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, होम पे गया पहले, होम पे जाने के बाद कोई कैटेगरीज में चला गया, लाइक वो ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स में कोई कैटेगरीज में चला गया, कैटेगरीज के बाद वो कॉन्टैक्ट पे जा रहा है, कॉन्टैक्ट के बाद वो अबाउट अस पे जा रहा है। मतलब साइट स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। बट अगर उसी सिनेरियो में हम क्रॉलर को एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर दे कि सबसे पहले तू जा होम पेज पे, ठीक है, होम पेज पे जाओ, उसके बाद जाओ इस कैटेगरी पे, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी इज फॉर लहंगा, लहंगा कैटेगरी पर जाओ, ठीक है। लहंगा कैटेगरी के अंदर क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर होंगे प्रोडक्ट्स। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक चीज सिंप्लीफाइड है, ठीक है। उसके बाद मैं एक और स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा, कैटेगरीज के बगल में ही क्या है, आपको जाना है किस पे, एक दूसरी कैटेगरी पे जिसका नाम है साड़ी, साड़ी के अंदर सारे के सारे साड़ी प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। तो मतलब साइट का स्ट्रक्चर वेरी ही सिंपल है, साइट का स्ट्रक्चर पूरा सिंपल है। यहाँ पे क्रॉलर को कम टाइम लगेगा, जहां क्रॉलर यहाँ पे हमारे 5 मिनट में आ रहा था पूरी वेबसाइट स्कैन करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हम उसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे रहे थे, लेकिन वहीं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसे एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर दे रहे हैं जिससे कि उसका क्रॉल बजट बचे, जिससे कि उसका जो भी क्रॉलर ने हमारे टाइम को एलोकेट दिया होगा, टाइम की इतने टाइम में इस वेबसाइट को क्रॉल करना है, ठीक है। क्रॉल बजट एक डिफाइंड होता है, उसी के अंदर हम एक क्रॉलर को एक आसानी प्रोवाइड कर देंगे कि वो ज्यादा टाइम तक हमारे वेबसाइट पर रुके और जितना भी टाइम रुके वो जल्दी से आपको रिसोर्स को समझे, ठीक है। ये चीज है, मतलब कि साइट मैप करेगा क्या, साइट मैप इज सिंपली अ मैप, एक चीज समझो, साइट मैप क्या है, सिंपली एक मैप है, ठीक है। आपने पूरे वेबसाइट का मैप दे दिया कि ये रहा मेरा वेबसाइट का, सबसे पहले यहाँ पे इस पेज पे जाओ, फिर इस पेज पे जाओ, नेविगेशन बहुत आसान होगा, ठीक है। क्रॉलर के लिए जो नेविगेट करना है कि पहले मैं इस पेज को स्कैन करूं, नेविगेशन बहुत ही आसान होगा, इसलिए वो आपके वेबसाइट को जल्दी से क्रॉल करेगा, क्रॉल बजट को बचाएगा ताकि वो अपने क्रॉल बजट को जो भी आ रखा है वो दूसरे रिसोर्सेज पे लगाए, ठीक है। ये चीज है। एक और टर्म्स में आपको समझाता हूँ, अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं होगा तो मैं अभी आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई, मैं अभी यहाँ पे गूगल पे कोई इमेज सर्च कर रहा था, ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे मैं जो आपको स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, ये देखिए एक होम पेज है, उसके बाद अंदर कैटेगरीज पे जाके, उसके बाद अंदर प्रोडक्ट पे जाके, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट और कॉन्टेक्ट, अलग अलग है। अबाउट का कॉन्टेक्ट से लेना देना नहीं, हमने सब कुछ अलग अलग डिफाइंड कर दिया। देखिए होम का, होम पेज के बाद कहाँ जाए वो क्रॉलर, अबाउट पेज पे, अबाउट पेज के बाद जाए प्रोडक्ट पेज पे, प्रोडक्ट के अंदर और है सब कुछ होगा, तो वो चीज है। मतलब नेविगेशन बहुत आसान कर दिया हमने क्रॉलर के लिए, ठीक है। ये होता है साइट मैप। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ साइट मैप की, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो, अगर आप इंटरव्यूज में जाओगे तो तब आपको ये इंपॉर्टेंस होगी, नहीं तो फिलहाल कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन टाइप, अ साइट मैप, अ लिस्ट, अ वेबसाइट, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस, थस मेकिंग श्योर सर्च इंजन कैन फाइंड एंड क्रॉल देम। साइट मैप ऑल्सो देम इन अंडरस्टैंडिंग योर वेबसाइट स्ट्रक्चर, वेबसाइट स्ट्रक्चर को ईज प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेकिंग इट इजियर टू नेविगेट योर वेबसाइट, ठीक है। आपको जो वेबसाइट का नेविगेशन है इजी कर देता है। अभी तो मैं क्रॉलर की बात कर रहा हूँ, जब मैं आऊंगा कि टाइप्स ऑफ साइट मैप पे, तब मैं आपको और डिफाइन करूंगा, ह्यूमंस के लिए भी हम साइट मैप बनाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा,
ठीक है। साइट मैप ने कर क्या दिया, मैं आपको फिर से बताता हूँ साइट मैप क्या है। साइट मैप इज अ फाइल वेयर यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस, ठीक है। साइट मैप एक फाइल है, सिंपल और सिंपल एक फाइल है जहां पे आप अपनी पेजेस की, वीडियोस की और बाकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, अगर और उनमें कोई रिलेशनशिप है वो बताते हो, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली कोई एक साइट मैप दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक साइट मैप दिखा देता हूँ जो कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, क्योंकि वर्डप्रेस का साइट मैप आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। फिर वहां मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कस्टम वेबसाइट पे साइट मैप कैसे बनाते हैं, वो भी हमारा डिस्कशन रहेगा। बट अभी हम ये देखते हैं कि साइट मैप एक सिंपलीफाइड फॉर्म में आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक साइट मैप दिखा रहा हूँ, ये देखिए, पोस्ट, पेजेस, वेब स्टोरी, सबका साइट मैप अलग बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, पेजेस पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने सारे पेजेस खुल जाएंगे, ठीक है। ये देखो सारे के सारे पेजेस, ये सारे क्या है, पेजेस। फॉर एग्जाम्पल मैं वेब स्टोरी पे क्लिक करता हूँ, सारे के सारे मुझे वेब स्टोरीज के URLs मिल जाएंगे। पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, पोस्ट के सारे URLs मिल जाएंगे। मतलब कि नेविगेशन इजी कर रहा है, नेविगेशन को आसान कर रहा है, ठीक है। इस चीज को आप समझिए, आप कोई भी बड़ी वेबसाइट देखिए, वहां पे उसका साइट मैप देखिए। अब साइट मैप को खोलते कहते हैं कैसे है, देखो कि दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो उसके साइट मैप को खोलने का एक तरीका होता है, एक दूसरा भी होता है index.xml, बट मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मोस्टली साइट मैप कैसे खोलेंगे, सबसे पहले आपको डोमेन नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम /sitemap.xml, ठीक है, sitemap.xml। इस टाइप से खुलेगा दुनिया के कोई भी वेबसाइट का साइट मैप। ये क्रॉलर्स के लिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि ह्यूमंस के लिए भी साइट मैप होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ साइट मैप। ये देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाले को। आप ये देखिए, डोमेन नेम /sitemap.xml, sitemap.xml, इसको कहीं नोट करना चाहो नोट कर लो, दुनिया की कोई भी वेबसाइट होगी उसका साइट मैप इसी तरीके से खुलेगा, चाहे वो वर्डप्रेस वेबसाइट हो, चाहे वो कस्टम कोडेड बेस्ड वेबसाइट हो, ठीक है। ये चीज है, साइट मैप क्या है, साइट मैप इज जस्ट अ मैप जो कि आपके क्रॉलर के नेविगेशन को इजी करता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा ह्यूमन का भी नेविगेशन होता है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आप ये समझो, साइट मैप हम लोग टेक्निकल SEO का पार्ट है जो कि क्रॉलर के उसको इजी करेगा, इज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये है साइट मैप क्या करेगा, नेविगेशन को इजी करेगा और एक आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना देगा। वेबसाइट स्ट्रक्चर विल बी इजी, वेबसाइट स्ट्रक्चर को आपको और इजी कर देगा, मैपिंग कर देगा एक तरह से, ठीक है। आपको मैं एक और सिनेरियो लेके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आज जाता हूँ लाइक चेन्नई, मैं विजिट करता हूँ, लाइक आई विजिट चेन्नई, ठीक है। तो क्या चेन्नई के मुझे हर एक रास्ते का पता होगा, नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे लिए वो चीज न्यू है, मेरे लिए वो चीज नहीं है। लेकिन अगर कोई वहां पे कोई गाइड होगा, कोई वहां पे ऐसा होगा जो मुझे गाइड करवाए, तो वो मुझे क्या देगा, साइट का एक मैप दे देगा कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो क्या करेगा मैप, मैप मेरा टाइम बचा देगा, मैप मेरा क्या करेगा, टाइम बचा देगा, और क्या करेगा दूसरा, मेरा नेविगेशन को इजी कर रहा है। क्या कर रहा है, चेन्नई का मुझे मैप मिल गया, मैं पहली बार चेन्नई जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे किसी एक बंदे ने मुझे चेन्नई का मैप दे दिया पूरा, तो मेरा टाइम बच गया, मेरे रिसोर्सेज बच गए। तो मैप यही करता है, आपके नेविगेशन को इजी करता है, ठीक है, नेविगेशन को आपका मैप इजी करता है। तो उसी तरह से ये साइट मैप है, नेविगेशन और टाइम। तो उसी तरह से यहाँ पे SEO में क्या है, नेविगेशन, क्रॉलर के नेविगेशन को इजी करता है, दूसरा टाइम को बचाता है, ठीक है, क्योंकि क्रॉलर के पास लिमिटेड टाइम होता है जिसके बीच आपके वेबसाइट को क्रॉल करे। अगर मान लो आपने क्रॉलर को ये बता दिया, फॉर एग्जांपल ये मेरा साइट मैप है, आपने क्रॉलर को डिफाइन कर दिया मेरे साइट मैप को खोलो sitemap.xml, क्योंकि ये फिक्स फॉर्मेट ही है, इसी फॉर्मेट में आपका साइट मैप होना चाहिए, sitemap.xml। इस फाइल के थ्रू आपने क्रॉलर को बता दिया कि ये मेरा साइट मैप है, साइट मैप कैसे आएगा, डोमेन /sitemap.xml, ठीक है। इसके थ्रू आपने बता दिया है क्रॉलर को कि ये मेरा साइट मैप है, ठीक है, ये मेरा साइट मैप है। अब क्रॉलर क्या करेगा, सबसे पहले यही, जब भी कोई क्रॉलर कोई वेबसाइट पे आता है, सबसे पहले वो देखता साइट मैप, ठीक है। अगर उस वेबसाइट का साइट मैप है, तो सबसे पहले क्रॉलर क्या करेगा, इस साइट मैप के अंदर जो जो नेविगेशन बता रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा, जिससे कि क्रॉलर का नेविगेशन बचेगा, नेविगेशन टाइम, ठीक है, नेविगेशन को क्या करेगा, इजी करेगा, ठीक है, और दूसरा टाइम बचाएगा। अगर मेरा टाइम बच रहा है, तो ये समझो क्रॉल का क्रॉलर बजट, जो क्रॉल बजट होता है वो बचेगा, जिससे कि वो क्रॉल बजट को कोई दूसरे रिसोर्सेज में यूज करेगा, ठीक है। क्रॉल बजट क्या होता है, मैंने इस वीडियो में वैसे ब्रीफ बता दिया, मैं वीडियो अटैच कर दूंगा क्रॉल बजट के बारे में, ताकि आपको और डिटेल मिले, ठीक है।
ठीक है। साइट मैप क्या है, साइट के नेविगेशन को इजी कर रहा है और टाइम को बचा रहा है क्रॉलर, ताकि अपने टाइम को दूसरी जगह यूज करेगा। मैं अभी आपको मैं बार बार क्रॉलर बोल रहा हूँ साइट मैप के लिए, ठीक है। मैं आपको अब ये भी बताऊंगा ह्यूमंस के लिए भी साइट मैप होता है, देख लेते हैं कैसे, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई, इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस है साइट के नेविगेशन को इजी करेगा, नेविगेशन को इजी करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे टाइम को सेव करेगा, टाइम को बचाएगा, चाहे क्रॉलर हो चाहे ह्यूमन हो, ठीक है। टाइम और नेविगेशन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है। ये चीज हमने ये डिस्कस कर लिया, साइट मैप होता क्या है और साइट मैप खोलते कहते हैं। दुनिया का कोई भी साइट मैप हो इस तरीके से ही खुलेगा। मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ, डोमेन स्लैश, जो भी आपका डोमेन है स्लैश sitemap.xml लिखना चाहो तो लिख लो, ये क्रॉलर के लिए होता है। ह्यूमंस के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, ये देखो क्रॉलर्स के लिए ये साइट मैप है, ठीक है, ये है। इसके बाद हाउ टू ओपन साइट मैप हमने ये भी डिस्कस कर लिया, दुनिया का कोई भी साइट मैप हो वो इसी तरीके से खुलेगा। sitemap.xml लिख लो आप, क्योंकि अभी बिगिनर होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इसलिए ये चीज लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट मैप। मैंने अब तक आपको साइट मैप बार बार मैं ये चीज बता रहा हूँ, साइट मैप अलग अलग टाइप्स के होते हैं। साइट मैप दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, ठीक है। साइट मैप होते हैं दो टाइप्स के, पहला टाइप होता है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के लिए, और दूसरा टाइप क्या है, बोट्स के लिए, क्रॉलर्स के लिए, बोट्स या क्रॉलर्स, ठीक है। अब तक मैंने आपको ये तो आप समझ गए, साइट मैप किसके लिए बनाते हैं, इनके लिए बनाते हैं, क्रॉलर्स या बोट्स के लिए, ठीक है। साइट मैप किसके लिए होता है, बोट्स के लिए होता है, ताकि आप नेविगेशन को इजी कर सको, ठीक है। बोट्स के लिए तो हो गया, क्या ये चीज यूजर के लिए नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली ये चीज यूजर के लिए होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ इंडिया टुडे की, ठीक है। इंडिया टुडे के अंदर भी इसका साइट मैप आप खोल सकते हो, इंडिया टुडे यहाँ पे आप लिखोगे, इसका साइट मैप डॉट एक्सएमएल आप लिखोगे, इंडिया टुडे स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, अगर इन्होंने हाइड नहीं किया होगा तो हमें दिख जाएगा, ठीक है। इंडिया टुडे का साइट मैप डॉट एक्सएमएल देख लेते हैं, जो कि ये साइट मैप डॉट एक्सएमएल होता है क्रॉलर के लिए। ये देखिए, ये सारी चीज क्रॉलर के लिए है, ये सारी चीज क्रॉलर को डिफाइंड है, ठीक है, ये चीज है। लेकिन अब ये चीज होगी क्रॉलर को, क्रॉलर का तो नेविगेशन ईजी हो रहा है, बट हम वेबसाइट क्रॉलर के लिए तो बता देना, क्रॉलर को तो हम आसानी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बंदा वेबसाइट को समझ सके, क्रॉलर हमारी वेबसाइट को इजीली क्रॉल कर सके। लेकिन एग्जैक्टली जो पर्सन वेबसाइट पे आएगा वो तो ह्यूमन आएगा। अब ह्यूमन के लिए भी तो हमें नेविगेशन को इजी करना है, ह्यूमन के लिए भी तो टाइम को बचाना है। अब एक बंदे को ये बताओ, एक बंदे को वेबसाइट पहले इस पेज पे जा रहा है, इस होम पेज के बाद अबाउट के बाद चला गया, अबाउट पे कॉन्टैक्ट पे चला गया, कॉन्टैक्ट पे प्रोडक्ट पे चला गया, मतलब नेविगेशन ह्यूमन के लिए भी आसान नहीं है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन को भी एक साइट मैप देते, साइट स्ट्रक्चर देते, तो कितना आसान होगा, उसका भी टाइम बचेगा, बार बार उसके लिए क्या प्रोवाइड हो रहे, ईज प्रोवाइड हो रहे ह्यूमंस को, तो ह्यूमन बार बार डेफिनेटली आपके वेबसाइट को पसंद करेगा। अगर ह्यूमंस को आपकी वेबसाइट पसंद आ रही है तो आप ये समझो, अगर ह्यूमंस, अगर लोगों को आपकी वेबसाइट पसंद आ रही है, नेविगेशन पसंद आ रहा है, तो एक चीज समझो, SEO आप अपने आप कर लोगे। अगर आप ये समझोगे कि बोट्स के लिए मैं ये करूंगा, बोट्स को ये करूंगा, लेकिन अगर आप ह्यूमंस को ही ध्यान नहीं दे रहे हो, लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हो, उनके आप फील एंड गुड को नहीं कर रहे हो, तो आप समझ रहे हो आप SEO में बहुत कुछ खो रहे हो, ठीक है। आप SEO में आज भी लैग करोगे, ठीक है। ह्यूमंस के लिए फोकस करो, ह्यूमंस के लिए ही फोकस करो, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए हमें ह्यूमंस के भी नेविगेशन को इजी करना है। तो आप क्या कोई भी बड़ी वेबसाइट देख लो, लाइक इंडिया टुडे, इंडिया टुडे के अंदर भी ह्यूमंस के लिए साइट मैप होता है, उसे बोलते हैं HTML साइट मैप। देखो कभी आप इन बड़ी वेबसाइटों के फुटर में आओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे इंडिया टुडे की वेबसाइट लोड करवा रहा हूँ, ठीक है। आप बड़ी वेबसाइटों में कभी भी देखोगे हेडर फुटर में, फुटर में कहीं ना कहीं साइट मैप हो गई होगा, ठीक है। ये देखते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ साइट मैप, ये देखिए साइट मैप ये रहा, ठीक है। इसमें फुटर में लिंक मेंशन किया हुआ साइट मैप, अगर कोई साइट मैप पे आता है तो उसके लिए पूरा साइट मैप मेंशन है। ये देखिए क्रिप्टो करेंसी कोई कैटेगरी होगी उसका साइट मैप है, क्रिप्टो करेंसी पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होंगे, जो भी ब्लॉग होंगे, वो सारे देखिए क्रिप्टो के रिलेटेड ही। और अगर कोई मान लो एग्रीकल्चर के रिलेटेड, एग्रीकल्चर, म्यूजिक के रिलेटेड, म्यूजिक के रिलेटेड, आपको मतलब पूरे ही पूरे नेविगेशन को, ये पूरे कैटेगरीज का साइट मैप है। अगर कोई यूजर देखना चाहते हैं, जैसे कोई यूजर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड है, एथलेटिक्स में क्या आज की अपडेट है, क्या कुछ है, तो ये सारा साइट मैप पे जाके देख लेगा, ठीक है। तो ये होता है साइट मैप, ये देखिए साइट मैप, साइट मैप का यूआरएल देखो, साइट मैप का यूआरएल फोकस होना चाहिए HTML की फॉर्मेट में हो, बट
साइट मैप का यूआरएल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि साइट मैप डॉट एक्सएमएल जैसे, तो ये तो फिक्स है क्रॉलर के लिए, ठीक है। वैसे इसे बोलते हैं जो ह्यूमंस के लिए साइट मैप होता है उसे बोलते हैं एचटीएमएल साइट मैप, एचटीएमएल साइट मैप, एचटीएमएल साइट मैप जो कि होता है ह्यूमंस के लिए, ठीक है, ह्यूमंस के लिए होता है एचटीएमएल साइट मैप। मैं इसको लिख भी लेता हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ साइट मैप होते हैं हमारे दो टाइप के, पहला एचटीएमएल साइट मैप जो कि होता है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के लिए, दूसरा होता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल या फिर लिख लो एक्सएमएल साइट मैप। एक्सएमएल साइट मैप होता है किस फॉर्मेट में, किसके लिए, बोर्ड्स के लिए या क्रॉलर्स के लिए, ठीक है, ये चीज है एचटीएमएल और एक्सएमएल। हमें यूजर्स को भी ध्यान देना है, हमें इसके अलावा किसको ध्यान देना, बोर्ड्स को भी ध्यान देना है, तो इसीलिए हमारे साइट मैप दो तरह के हो गए, एचटीएमएल और एक्सएमएल, ठीक है। जैसे एक्सएमएल साइट मैप को खोलने का वर्ल्ड वाइड फॉर्मूला, अगर कोई भी वेबसाइट हो उसका साइट मैप अगर होगा तो इससे ही खोलना चाहिए, वो साइट मैप डॉट एक्सएमएल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ी वेबसाइट देख लोगे आप इससे ही खुलेगा क्योंकि फॉर्मेट है, ठीक है। कैसे जनरेट करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, वर्डप्रेस वेबसाइट पे कैसे करोगे, नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट पे कैसे करोगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी वैसे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है कि कैसे आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट में एक एसईओ प्लगइन की मदद से साइट मैप को जनरेट करोगे, ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज हो गया, हमने डिस्कस कर लिया साइट मैप के बारे में कंप्लीट थ्योरी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता देते हैं, इस साइट मैप मैंडेटरी फॉर एसईओ, ठीक है, क्या साइट मैप मैंडेटरी है एसईओ के लिए, तो मेरा सवाल है इस इज नॉट मैंडेटरी फॉर एसईओ, बिकॉज भाई ये मैंडेटरी चीज नहीं है। अगर आप क्रॉलर को साइट मैप दे भी रहे हो, साइट मैप डॉट एग्जाम्पल दे भी रहे हो, क्या गारंटी है क्रॉलर उसे कर लेगा, ठीक है। आप क्रॉलर को नेविगेशन आसान कर रहे हो, अगर बाय चांस अगर आप साइट मैप होगा भी नहीं ना, ऐसी बात नहीं है कि आपके पेज इंडेक्स नहीं होंगे, आपके पेज क्रॉल नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका साइट मैप होगा ही नहीं तब भी आपका इंडेक्स होगा ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन साइट मैप देने से आप क्रॉलर को बस नेविगेशन इजी कर रहे हो, नेविगेशन को इजी बनाने के लिए साइट मैप लगाते हैं। साइट मैप का अगर ना भी हो ना, आप ये लगा लो इंडेक्स तब भी हो सकती है पेजेस, ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ये साइट मैप मैंडेटरी तो नहीं है मैंडेटरी, लेकिन अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम तो मैं हर एक वेबसाइट में आपको बताऊंगा साइट मैप को जनरेट करना है, हमारे कुछ एक चेकलिस्ट होती है, योस्ट मतलब चेकलिस्ट होती है एसईओ की, ऑन पेज के अंदर साइट मैप होना चाहिए, रोबोट डॉट टीएक्सटी होना चाहिए, आपके ये सब फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट में से एक चेकलिस्ट है साइट मैप, ठीक है, तो साइट मैप होना चाहिए, मैं फिर बताऊंगा साइट मैप होना चाहिए। साइट मैप करता क्या है, आपके नेविगेशन को इजी करता है, क्रॉलर के क्रॉल बजट या क्रॉल टाइम को आपका मतलब आपको जो इफेक्टिवली यूज करता है क्रॉल बजट को, ठीक है, ताकि वो मोर एंड मोर रिसोर्सेज आपके दूसरे वेबसाइट को स्कैन करने में लगा सके, दूसरे वेब पेज को स्कैन करने में लगा सके, ठीक है। साइट मैप को ओपन कैसे करते हैं, डोमेन नेम स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है, ये आ गया बोर्ड्स के लिए। अब आता है देखो साइट मैप नेविगेशन, तो हमें ह्यूमंस का भी करना है, ह्यूमंस के नेविगेशन को भी इजी करेंगे। ह्यूमंस के नेविगेशन के लिए क्या करेंगे, एचटीएमएल साइट मैप होता है वो हम बना देंगे, नॉर्मल फॉर्मेट होगा, ठीक है, ये देखो ह्यूमंस के लिए आसान सा फॉर्मेट होगा। बोर्ड्स के लिए होता है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट लाइक दिस, क्योंकि बोर्ड्स ऐसी लैंग्वेज समझते हैं, बोर्ड्स के लिए होता है ये, ह्यूमंस को हमें नेविगेशन इजी करना है। क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोकरेंसी की वेबसाइट पे चला जाएगा, स्टेट ऑफ बिहार, बिहार के पेज पे चला गया, मुंबई, मुंबई मंथन के पेज पे चला जाएगा, मतलब उस पे जहाँ पे सारे चीज मेंशन हो मुंबई मंथन के बारे में, ठीक है, सारे ब्लॉग्स मेंशन होंगे उसके, ठीक है, ये चीज। इसको खोलने का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आप मोस्टली साइट मैप से खुल जाएगा, कई बार साइट मैप डॉट एचटीएमएल या देख लेना, लेकिन आप क्या करोगे कोई भी बड़ी वेबसाइट, मैं आपको एक और वेबसाइट जैसे कोई एनडीटीवी, मैंने यहाँ एनडीटीवी खोली भी होगी, ठीक है, एनडीटीवी का साइट में मैंने ये खोला हुआ, एनडीटीवी की आप जैसे वेबसाइट जाओगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ मोस्टली बड़ी बड़ी वेबसाइट ये एचटीएमएल साइट में बनाती है, ठीक है। साइट मैप डॉट एग्जाम्पल तो रिकमेंडेड है, चाहे कोई छोटी वेबसाइट हो बड़ी वेबसाइट हो उस पर तो बनाओगे क्योंकि बोर्ड्स को तो ईजी करना है, ठीक है। बड़ी वेबसाइट पे पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उन्हें मैंडेटरी हो जाता है बनाना, उन्हें बनाना चाहिए ह्यूमंस के लिए, ठीक है, तो वो बना के रख देते हैं। हम देख लेते हैं कोई बड़ी वेबसाइट जैसे एनडीटीवी है, मैंने इंडिया टुडे का तो आपको ह्यूमंस के लिए बता दिया, ठीक है, कोई दूसरी वेबसाइट एनडीटीवी का भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे है, देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरी वेबसाइट हम देख लेते हैं, ठीक है। मुझे अभी इसका नहीं मिल रहा, इसके अलावा आज तक जैसे देख लेते हैं, आज तक का साइट मैप मैं ये बताना चाहता हूँ, साइट मैप को होता ही होता है बड़ी वेबसाइट में, अगर कोई नहीं बना रही है तो उसके रिकमेंडेड है कि भाई अगर बड़ी वेबसाइट है तो साइट मैप बनाना चाहिए उन्हें,
ठीक है। अगर इसमें है, मतलब आप कोई भी बड़ी वेबसाइट में, आप फुटर में ये ज्यादातर आपको मिलता है, ठीक है, साइट मैप का ऑप्शन, ठीक है। मुझे पता था कि मैंने अभी जो आपको इंडिया टुडे वाली वेबसाइट दिखा रहा था उसमें था, तो इसलिए मैंने वो आपको दिखा दिया था। बाकी और भी आप वेबसाइट में HTML साइट मैप देख सकते हो, ठीक है। नहीं मिल रहा आप देख सकते हो, बाकी sitemap.xml तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी वेबसाइट जाओ sitemap.xml, क्योंकि सभी लोग चाहेंगे क्रॉलर्स के लिए नेविगेशन इजी हो, ठीक है। ये पेज इन्होंने नहीं बता रखा, मे भी पेज हाइड किया होगा, वो चीज है। लेकिन कोई भी बड़ी वेबसाइट आप जाओगे, जैसे NDTV है, NDTV/site/sitemap.xml, ठीक है, sitemap.xml जाओ, ये देखो XML साइट मैप, ये रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट ट्री की फॉर्म में यहाँ पे XML साइट मैप खुल गई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक साइट मैप को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे कैसे करोगे, वो तो मैंने बता रखा है, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता दूंगा, एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे कैसे करोगे आसानी से, एक कस्टम कोडेड बेस्ड वेबसाइट पे कैसे करोगे, दोनों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। स्टिल किसी के अगर डाउट होगा तो आप मुझे सोशल मीडिया पिन कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, या फिर एक बार इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, ताकि आप हर पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप बिगिनर होंगे जो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, हर एक वीडियो को नोट बना के चलिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है, ओके।